हाँ जी, एक्सरसाइज 8.1 वेक्टर्स, एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट वेक्टर्स वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के कैप, ठीक है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आर इक्वल। हाँ जी, हूँ सब तो पहले गल समझन वाली है कि i कैप j कैप k कैप ये है कि आई कैप जे कैप के कैप ये है बेटा कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स यानी कि आई कैप का मतलब है कि आई कैप यूनिट वेक्टर हो गया, जे कैप यूनिट वेक्टर हो गया, के कैप यूनिट वेक्टर हो गया, मतलब एक्स एक्सिस की जी एल डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस होगी, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस होगी, अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस होगी। जिस तरह तीन एक्सिस हो गए, तीन एक्सिस आप लेने एक्स एक्सिस ओ वाई एंड जेड। एस क्वेश्चन वास्ते नहीं है, वैसे जनरल है कि कंपोनेंट्स असी किस तरह ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो यह हो गया तुहाडा जेड एक्सिस हो गया। हुण इत्थे असी कोई पॉइंट लिया, मान लो इत्थे कोई पॉइंट लिया पी एक्स वाई जेड, जिहदा डिस्टेंस सारे डायरेक्शन तो वन हैगा, यदा मतलब हो गया यदा इतों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी एक्स एक्सिस के उपर, ठीक है। तो यह जरा पॉइंट होएगा, यदि वैल्यू होगी जीरो, एक्स की वैल्यू होगी वन जीरो जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस से एक्स का वैल्यू होएगी, बाकी की होनगियाँ जीरो जीरो। फिर वाई एक्सिस से आप पेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, मान लो बी पॉइंट आ गया, ये पॉइंट्स हो जाएंगे जीरो वन जीरो, ठीक है। फिर इतों ही असी परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे ये उपर जेड एक्सिस के उपर, एफ सी पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे जीरो जीरो वन। तो यू जरा वन डिस्टेंस जरा असी लिया वै, इनू ही असी कहने आई कैप जे कैप के कैप, यानी कि यदा मैगनीच्यूड जरा वै वन है। तो ये कंपोनेंट हो गए पी पॉइंट अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जिस तरह असी टेंथ तक क्वेश्चन करते ही ग्राफ बनाते, एक पॉइंट लिता टू थ्री, वो असी कहते थे एक्स की वैल्यू टू है, वाई की वैल्यू थ्री है, तो असी एक्स तो वाई नूं असी ड्रॉ कर लेंदे सी। हुण इह जिहड़ा पॉइंट है ये तीनों एक्सिस नूं लेंदे होए कि इस पॉइंट दे उत्तों एक्स की वैल्यू किन्नी है, वाई की किन्नी है, जेड की किन्नी है, वह असी वन वन लै रहे हैं, इस करके यूनिट वैक्टर बन गया तो वह कंपोनेंट्स बन गए, ठीक है। वैक्टर ए कंपोनेंट हो गए एक्स टू तो जेड अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हूँ आप चेक की करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वैक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल, ताकि जोड़े वैक्टर्स है इक्वल हो सकन, ठीक है। यह जस्ट समझने वास्ते सीगा इस क्वेश्चन का आंसर की है, क्योंकि वैक्टर्स असी इक्वल बनाने हैं, ठीक है। गिवन है सानू, गिवन की है वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी, वैल्यू असी फाइंड आउट करनी है एक्स वाई तो जेड की। ए वैक्टर हो गया एक्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस जेड के कैप, बी वैक्टर हो गया टू आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हूँ ए अकॉर्डिंगली प्लस बेटा बी दी वैक्टर कला है के कैप, दैट इज इक्वल टू के कैप, इन्हों दोनों असं कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग जो कंपेयर किया आई कैब नू आई कैब वाले ना जे जे नू जे वाले ना ते के कैब ना कंपेयर कर लेना आपां, इतों एक्स की वैल्यू की आ गई एक्स इज इक्वल टू आ गया टू, वाई इज इक्वल टू आ गया टू, क्योंकि वाई इधर है टू इधर आ गया, तो जेड की वैल्यू आ गई वन, यह आ गया तुहाडा आंसर। जो भी इस तरह असी वैल्यू निकालनी हो दोनों नू कंपेयर कर देना तो आंसर साडा आ जाएगा। नैक्सट है एग्जाम्पल नंबर फाइव, एग्जाम्पल नंबर फाइव। हूँ ए की है लैट वैक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस
टू जे कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे कैप। उन्होंने क्वेश्चन पूछा इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, आर द वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल, आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, के इक्वल है गया, ठीक है। पहले तो आप करना वा दोनों का मैगनीट्यूड, ठीक है, मैगनीट्यूड मैगनीट्यूड किस तरह करना वा। देखो वैक्टर ए दिता हुआ वै आई कैप प्लस टू जे कैप, यदा मतलब ये के कैप जोड़ा नहीं है वह जीरो के कैप हो गया। यदा असी मैगनीट्यूड जो अभी निकालेंगे वह फार्मूला की होंगे मॉडलस तुम करके आयो इलेवंथ पिछले आप कॉम्पलैक्स नंबरस के किया ही मॉडलस करना। यह हो जाएगा आई का कोफिशेंट हो गया वन द स्केयर प्लस जे का कोफिशेंट हो गया टू द स्केयर, यह बन गया बेटे तेरे को यह आ गया वन प्लस फोर अंडर रूट फाइव। मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव। हूँ आ जाओ वैक्टर बी का मॉडुलस निकालेंगे, ये हो गया टू द स्केयर प्लस वन द स्केयर, ये बन गया फोर प्लस वन, ये भी आ गया अंडर रूट फाइव। यानी कि मैगनीट्यूड तो दोनों दो बराबर आ गए। इट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी। यानी इतों तक क्लीयर हो गया कि मॉडुलस यानी कि मैगनीट्यूड दोनों के की है बराबर। हूँ वैक्टर्स भी बराबर है, यह चैक करना, ठीक है। वैक्टर्स वैक्टर्स ध्यान ना देखो एक कॉम्पोनेंट्स हो गए वन टू, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू वन तो वाई की वैल्यू टू हो गई और ये एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू वन है। हूँ तुम ग्राफ ड्रा करके देखो कि वन टू तो टू वन सेम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। देयरफोर वैक्टर डायरेक्शन लिख लो, चाहे डायरेक्शन ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर नॉट सेम, ठीक है ना। आ डायरेक्शन दस दी उन्होंने क्योंकि डायरेक्शन ही है ना, एक्स एक्स अकॉर्डिंग किन्ना बनेगा वाई के अकॉर्डिंग किन्ना बनेगा। डायरेक्शंस ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर नॉट, डायरेक्शंस भी सेम नहीं है तो वैसे भी इन्हों के कॉम्पोनेंट्स जोड़े वह भी सेम नहीं है। कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है क्योंकि वन टू पॉइंट बना रहे हैं और टू वन पॉइंट बना रहे हैं। ये पॉइंट बन रहा वन टू, यह बन रहा टू वन, इस करके जी है इन्हों की डायरेक्शन भी सेम नहीं होएगी, ठीक है। तो इना अगर डायरेक्शन सेम भी हो जाए कई बार वैक्टर बराबर नहीं होंगे कि उन्होंने कॉम्पोनेंट भी सेम होने चाहिए है, यदा मतलब दे आर डिस्टिंक्ट, यह दोनों अलग अलग ने। नैक्सट है बेटा एग्जाम्पल नंबर सिक्स, फाइंड यूनिट वैक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर ए, फाइंड यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर ए दैट इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। यूनिट वैक्टर जोड़ा हों ओनू आप लेना वै ए कैप दैट इज इक्वल टू वो कि बराबर होएगा वैक्टर ए ओवर मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर ए। याद रखना है यूनिट वैक्टर निकालन का तरीका, यूनिट वैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वैक्टर ए ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए। वैक्टर ए तो तुम्हें पता ही है। हम मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर ए निकालना है तो की आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ आई का कोफिशेंट हो गया टू टू द स्केयर प्लस थ्री स्केयर प्लस वन द स्केयर। इन सॉल्व करांगे ये आ गया तेरे को चार जमा नौ जमा एक, ये आ गया बेटे अंडर रूट टेन सॉरी चार नौ तेरह तो एक चौदह, ये आ गया अंडर रूट चौदह, ठीक है, अंडर रूट चौदह के बराबर आ गया। तो यदा मतलब यूनिट वैक्टर आप निकाल लीए, वैक्टर ए क्योंकि बराबर है
यूनिट वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर ए ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए, फिर ए कि बराबर आ गया दिस इज इक्वल टू वैक्टर ए कि बराबर है वो है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप ओवर अंडर रूट 14, यानी इन असी अलग अलग करके लिख दीए तो वह बन जाएगा यूनिट वैक्टर ए इज इक्वल टू टू ओवर, क्योंकि कॉम्पोनेंट लिखने आप आई का कॉम्पोनेंट हो गया टू ओवर अंडर रूट 14 प्लस थ्री ओवर अंडर रूट 14 जे कैप प्लस वन ओवर अंडर रूट 14 के कैप, यह आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब निकल गया तुहाडा यूनिट वैक्टर। नैक्सट है एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड ए वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड ए वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। ठीक है, यानी एक असी वैक्टर फाइंड आउट करना है यदि डायरेक्शन दे विच। ठीक है, दैट हैज मैगनीट्यूड ऑफ 7 यूनिट, जिंदा मैगनीट्यूड कि हो जाए 7 यूनिट हो जाए, तो असी की करांगे पहले तो आप यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करांगे वैक्टर ए दे अकॉर्डिंगली। ठीक है, यूनिट वैक्टर ए कि बराबर आ गया वैक्टर ए ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए, यानी कि बन गया आई कैप माइनस टू जे कैप ओवर कट्ठा भी कर सकते हो तुसी माइनस टू का स्केयर, यानी ए बन गया आई कैप माइनस टू जे कैप ओवर अंडर रूट 1 प्लस 4, यानी कि आ गया अंडर रूट 5, ए बन गया 1 ओवर अंडर रूट 5 आई कैप माइनस 2 ओवर अंडर रूट 5 जे कैप, ए ते आ गया यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर जिदी लेंथ किनी है 1 यूनिट है। ठीक है, तो आप निकालना असी वैक्टर निकालना वै जिदी लेंथ किनी है जिंदा मैगनीट्यूड कि 7 यूनिट। ठीक है, यह असी निकालिया जिदी जिदा मैगनीट्यूड 1 यूनिट है। देयरफोर अ वैक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। ठीक है ना, जिस तरह ए कैप है यह हो गया तुहाडा ना 1 यूनिट, तो ये अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शन सेम रहेगी। एक और असी वैक्टर निकालिया जिदा कि लेंथ कि 7 यूनिट्स। ठीक है, वो 7 यूनिट लेंथ है पर डायरेक्शन सेम रहेगी, तो वह कि बराबर हो जाएगी उन्होंने 7 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ गया 7 इंटू 1 ओवर अंडर रूट 5 आई कैप माइनस 2 ओवर अंडर रूट 5 जी कैप, तो वह बन गया 7 ओवर अंडर रूट 5 आई कैप माइनस 14 ओवर अंडर रूट 5 जी कैप, ये आ गया ये नवा वैक्टर आ गया जड़ा कि जिदा मैगनीट्यूड कि 7 है, तो डायरेक्शन जी वैक्टर ए दे अकॉर्डिंग है। नैक्सट देखो, नैक्सट है एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द यूनिट वैक्टर in the direction of the sum of the vectors vector a is equal to 2 I cap plus 2 j cap minus 5 k cap and vector b is equal to वो कि बराबर है 2 i cap plus
जे कैप प्लस 3 के कैप। आप एक यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर बाद से निकालेंगे, पहले तो अभी वैक्टर निकालिए। वैक्टर जड़ा कि जिदा सम वैक्टर ए प्लस बी दे बराबर है। लैट सपोज कर लें वैक्टर सी जड़ा वै वह वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी दे बराबर है, सम दे बराबर है। यह मतलब वैक्टर सी जड़ा कि बराबर आ गया, फिर वह आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 2i कैप माइनस प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इन्हों दो का सम निकाल लो, 2 जमा 2 आई च आई वाला प्लस करना है, ध्यान रखना है। 2 जमा 2 कि हो गया 4i कैप, 2 जमा 1 3j कैप, तो यह बन गया माइनस 5 प्लस 3 हो गया माइनस 2k कैप। यह तड़ा बन गया फैक्टर जोड़ा दोनों के सम के बराबर है। हूँ सानू की चाहिए वै यूनिट वैक्टर, यानी कि असी निकालना सी कैप। यूनिट वैक्टर यानी सी कैप कि बराबर है वैक्टर सी ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर सी। हूँ मॉडुलस ऑफ वैक्टर सी कि बराबर आएगा मैगनीट्यूड ऑफ, यह आ जाएगा 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस माइनस 2 का स्केयर। इनू सॉल्व करांगे, 4 चौके 16 3 3 9 2 2 4 16 4 20 9 29 ये आ गया अंडर रूट 29 के बराबर। मतलब सी कैप कि बराबर आ गया, फिर वैक्टर सी लिख लो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप ओवर अंडर रूट 29। यानी इनू अलग अलग कर दो, 4 ओवर अंडर रूट 29 i कैप प्लस 3 ओवर अंडर रूट 29 j कैप माइनस 2 ओवर अंडर रूट 29 k कैप। ये आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, इन द सम यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप लिखने हैं बेटा डायरेक्शन रेशियोज। हूँ डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन को साइंस निकालने भी बहुत सौखे है। डायरेक्शन रेशियोज देखो पहले की होंगे, और नाल ही डायरेक्शन रेशियोज भी समझा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड हैंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ जी, आप डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं ऑफ द वेक्टर दिस। डायरेक्शन रेशियोज तुम समझाया सी, डायरेक्शन रेशियोज की हो गए डायरेक्शन जड़ियाँ डायरेक्शन दसन सू है ना, तो वह बन गया तेरे को डायरेक्शन रेशियोज। इनू इस तरह लिखना अपना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वैक्टर ए आर, यानी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, जैड एक्सिस के अकॉर्डिंग की बन गया, और कॉफिशेंट लिखते हैं तो उही बन गया उनकी डायरेक्शन रेशियोज। वह हो गया बेटे 1 1 तो माइनस 2। नेक्स्ट हैगा वर्ड उन्हें यूज़ किया कि हैंस कैलकुलेटेड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस हूँ जो नाम तो ही क्लीयर है कि कोसाइन करने यानी कि कॉस निकालने हैं। हूँ ध्यान देखो, यानी कि यह हो गया तड़ा, अक्सर वैसे आप वाई एक्सिस जो नीचे लें क्योंकि जैड एक्सिस उसी परपेंडिकुलर मानते हैं, एक्स वाई तो जैड एक्सिस हो गया। यह कोई पॉइंट हो गया, मान लो पी पॉइंट है 1 1 माइनस 2, ठीक है ना। हुण इहनू अगर असी ओ ना मिला दिए एस पॉइंट नूं, हुण इह एक लाइन बन गई, ओ पी की बन गई एक लाइन, तो एस लाइन की डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि थीटा, ठीक है ना, उन्होंने असी बोलते हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली कोई एंगल बनाएगा, उस एंगल में मान लिया एल्फा। हुण आही जिहड़ी लाइन आ वाई एक्सिस ना कोई एंगल बनाएगी, वो एंगल हो गया उन्होंने असी मान लिया बीटा। आही वाली लाइन जिहड़ी आ जैड एक्सिस ना कोई एंगल बनाएगी, तो उन्होंने असी मान लिया
गैमा, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा की हो गए डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, ठीक है। यानी कि इको लाइन जड़ी है अलग अलग एक्सिस के नाल अलग अलग कोण बनाएगी, उन्होंने असी बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि असी कॉस के नाल कॉस लगा के कटना है। तो कॉस अल्फा अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस हो गया, इनू बोलते हैं आप, इनू लिखते हैं एल। कॉस बीटा इज इक्वल टू एम, तो कॉस गैमा इज इक्वल टू लिखते हैं एन। हुण इह क्वेश्चन दे विचों ही क्वेश्चन बन गया ना जिहड़ा असी तुहानूं समझाउणा सी। हुण इहदे विच इक होर चीज़ समझण वाली की है कि असी लिखते हैं कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू वन, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू वन। एक्स एक्सिस दे अकॉर्डिंगली यह कौन किन्ना होएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस जड़ा कॉस जीरो, मान लो कि कोई पॉइंट इतने हैगा वह असी कोई ए पॉइंट ले लिया अगर वन जीरो जीरो। हुण एक्स एक्सिस जड़ा है एक्स एक्सिस दे नाल ही कौन, क्योंकि लाइन जड़ा पॉइंट लाइन बनेगी ओ ए वो एक्स एक्सिस के उपर ही है, तो वह एंगल जड़ा एक्स एक्सिस ना हो जाएगा जीरो डिग्री, यानी कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री, ठीक है। तो वह बन गए यानी अल्फा तुहाड़ा जीरो डिग्री हो गया। हुण ओ ए लाइन जी वाई एक्सिस ना 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वह बन गया कॉस 90 डिग्री। तो जोड़ा नैक्सट है जैड एक्सिस ना भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वह भी बन गया कॉस 90 डिग्री। हुण कॉस जीरो डिग्री वन, तो यह हो गया जीरो प्लस जीरो, यानी इन्हों का जोड़ सारे का की हो जाएगा वन हो जाएगा, यानी एल स्केयर एम स्केयर प्लस एन स्केयर की वैल्यू की आ जाएगी वन आ जाएगी। ऐसी फार्मूला याद रखना है कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर जड़ा है वह वन के बराबर होंगे, यानी कि कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल टू वन। और होर असी निकाल सकते हैं अगर इन्हों चेंज कर दिए, कॉस स्केयर अल्फा असी लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्केयर अल्फा प्लस वन माइनस साइन स्केयर बीटा प्लस वन माइनस साइन स्केयर गैमा इज इक्वल टू वन। हूँ एक वन तो कैंसल हो गया, बाकी किन्ने वन रह गए दो, बाकी वन किन्ने रह गए दो। हूँ यह माइनस सारे उधर ले जाओ, टू इज वन वन टू इधर रह जाएगा, माइनस उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर गैमा जड़ा वह कितने बराबर होंगे टू दे, ठीक है। यह चीज़ तुम्हें याद रखनी है। हुण तुहानूं पता लग गया कि डायरेक्शन कोसाइंस की होंदे हैं कि जिहड़े कोस एंगल बनाउंदे नाल। हुण इत्थों किद्दां कढ़ीए आपां, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोस गिवन है, जदों आपां इत्थों निकालने हैं तो वह की बन जाएगा, हुण कोस थीटा, कोस थीटा जे असीं लईए यानी कि कोस अल्फा अगर असीं तुहानूं होर देखिए तो वह किहदे बराबर हो जाएगा, उहनूं आपां लवांगे वह है एल ओवर आर दे बराबर। तो आर की हुंदा मैगनीट्यूड, मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर ए, यानी कि जिन्ना आएगा तो इस तरह यह बन जाएगा कॉस बीटा, वह बन जाएगा एम ओवर मॉडुलस वैक्टर आर, तो कॉस गैमा जड़ा है वह बन जाएगा एन ओवर मॉडुलस वैक्टर आर। तो वेयर वैक्टर आर यानी कि जोड़े कॉम आर असी तरह की जनरल वैक्टर ले लें ना, हाले जनरल क्वेश्चन ही चल रहा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जैड के, अगर आ कोई असी आर वैक्टर लिया तो ये अकॉर्डिंगली मॉडुलस ऑफ आर वैक्टर की बन जाएगा स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर, ठीक है। कॉज एल्फा तुम कहोगे कि एल ओवर आर क्यों लिया, हुण ध्यान ना देखो अगर असी इतों परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जिस तरह कोई राइट एंगल ट्रैंगल है ना, इतने असी लाइन लई सी आ सी एक्स लिया सी ए जैड लिया ही है पी लिया सी, इतों अगर असी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए मान लो है ना, तो यह असी एंगल ले लिया एल्फा, तो यह लेंथ होगी एल, तो यह बन जाएगा कॉस एल्फा की हो जाएगा एल ओवर, हाँ यदि लेंथ होगी आर, क्योंकि पी पॉइंट है ना
आर हो गया वैक्टर हो गया था आर वैक्टर, यदि लेंथ होगी एल बेस यानी कि एल हो गया इतों लैके इतने तक ठीक है, क्योंकि ये असं एस के यूनिट लैने इस करके वन हो जाता तो यह बन जाएगा थोड़ा कॉस एल्फा जड़ा है ये अकॉर्डिंगली बन गया एल ओवर आर। हर एक असं परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो उतों असी जो कॉस निकाला तो वह अकॉर्डिंगली बन जाएगा एम ओवर आर गैमा बन जाएगा एन ओवर आर। हूँ जोड़ा असं क्वेश्चन कर रहे थे ठीक है ना, यह भी सारा जो क्वेश्चन के अंडर नहीं है यह समझाने लिए है। हूँ असं जो क्वेश्चन कर रहे थे उस सीधा तुम ध्यान की रखना कि मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए गिवन यदा मैगनीट्यूड निकाल लो, यदा मैगनीट्यूड निकालने का तरीका हो गया उही कॉम्पोनेंट जड़े आ उन्हों का स्केयर कर दो वन स्केयर प्लस माइनस टू का स्केयर, यह आ गया बेटा तेरे को वन प्लस फोर यानी कि यह बन गया अंडर रूट सिक्स। हूँ तड़ा जरा कॉस निकालना वै कॉस ऑफ एल्फा तड़ा हो जाएगा वैक्टर ए ओवर मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर, क्योंकि असी वैक्टर ए दे विच तीनों कंपोनेंट आने ना ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए, तो वैक्टर ए कि बराबर है वह हैगा वै तेरे को आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप ओवर ऑफ वैक्टर ए जड़ा है वह अंडर रूट सिक्स हो गया। फिर असी इनू अलग अलग करते हैं, हूँ ए अलग अलग करिए तो फिर अल्फा बन जाएगा एक बीटा बन जाएगा एक गैमा के अकॉर्डिंग आ जाएगा और कॉस अल्फा आ जाएगा। एनू तुसी एल लिखो हले कि एल जड़ा वै ए हूँ थोड़ा पूरा है वैक्टर ए दे अकॉर्डिंग यानी ये यूनिट वैक्टर है ए यूनिट वैक्टर का फार्मूला। कॉस अल्फा जो तुसी लगावांगे ए बन गया थोड़े को वन ओवर अंडर रूट सिक्स आई कैप प्लस वन ओवर अंडर रूट सिक्स जे कैप माइनस टू ओवर अंडर रूट सिक्स के कैप, यानी कि पहले वाला जो तो आप डायरेक्शन को साइन यानी कि नीचे आर वैक्टर लै चुके हैं मॉडुलस असी लै चुके हैं तो यह जो कंपोनेंट बन जाएंगे ये बन जाएंगे कॉस अल्फा के अकॉर्डिंगली यानी कि कॉस अल्फा तड़ा आ जाएगा वन ओवर अंडर रूट सिक्स, कॉस बीटा आ जाएगा वन ओवर अंडर रूट सिक्स, तो कॉस गैमा तड़ा बन जाएगा माइनस टू ओवर अंडर रूट सिक्स ठीक है। हूँ वैक्टर ए क्योंकि ए तो असं यूनिट वैक्टर ए अकॉर्डिंग लिया ना, जो तो एल्फा लवेंगे उदो सिर्फ आई का कॉम्पोनेंट लवेंगे ना कला आई वाला आएगा, वो बीटा लवेंगे तो कला जे वाला आएगा, गैमा लवेंगे तो कला के वाला आएगा। ए आ गए थोड़े कॉम्पोनेंट्स, नैक्सट देखो नैक्सट है बेटा एक होर क्वेश्चन आप निकाल लें डायरेक्शन को साइंस का, एग्जाम्पल है कोई वैक्टर बी दिता होया थानू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, अगर असी ये को साइंस निकालने हैं तो पहले आप डायरेक्शन रेशोज़ निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ वैक्टर बी आर, डायरेक्शन रेशोज़ नूं आप हमेशा ए वाली ब्रैकेट ना लिखना है, गोल ब्रैकेट नहीं लगानी, ये कंपोनेंट लिखते हैं टू माइनस वन ते टू, तो जो आप निकालने डायरेक्शन को साइनस ऑफ वैक्टर बी आर तो फिर सीधा तरीका हो गया कि इन्हों दे मॉडुलस दे नाल डिवाइड कर दो यानी टू ओवर अंडर रूट टू स्केयर प्लस माइनस वन स्केयर प्लस टू स्केयर ठीक है। इस तरह ये बन जाएगा माइनस वन ओवर इधर मैं हल कर दिनी इन्हों दो दुनी चार जमा एक जमा चार अगले होर कर लो इंटू आ गया नाइन यानी यह बन गए दैट इज़ टू ओवर क्योंकि सारे थले सेम है टू ओवर थ्री कौमा माइनस वन ओवर थ्री कौमा टू ओवर थ्री यह बन गए ये डायरेक्शन को साइंस ठीक है। और एक्सरसाइज नैक्सट जी आप कर रहे हैं हाँ वो ये वो आप नैक्सट एक्सरसाइज जी कर रहे हैं वो बेटा हैगी है वैक्टर जोड़ा अठवां चैप्टर नहीं है दसवां चैप्टर है ना 10.1 10.2 कर रहे हैं आप एक्सरसाइज 10.2 है तो यू आप सॉल्व कर लेना ये क्वेश्चन भी जोड़े सॉल्व कर लेना ओके बेटा।